मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सस बेट यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम मैंने आपको रिंगनेक की प्रोग्रेस दिखाई थी, माशाल्लाह से कुछ पेयर्स ने जो है एग दे दिए थे और कुछ पेयर मैं कह रहा था कि इंशाल्लाह कुछ टाइम में ये एग दे देंगे। तो चले आज देखते हैं प्रोग्रेस रिंगनेक के जो एग्स वगैरह आए हुए थे पेयर्स के, उनमें से ब्रीड वगैरह आई या नहीं आई, बाकी और कितने पेयर्स ने एग्स वगैरह दिए हैं। तो वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है, बाकी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा इन्हें सॉफ्ट फूड में मैं क्या चीज़ें यूज़ करवा रहा हूँ, बाकी जो मिक्स दाना दे रहा हूँ मैं वो क्या चीज़ है। और काफ़ी दोस्त पूछ भी रहे थे कि जो कि केस साइज आप जिस केस में आपने रखा हुआ रिंग नेक को उनका केस साइज़ क्या है और बॉक्स वगैरह का साइज़ का, वो भी इंशाल्लाह आज इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है चार रिंग नेक के पेयर्स लगाए हुए, जो केस साइज़ है इनका मैं 2x2 में ब्रीड करवा रहा हूँ। ये तकरीबन केस साइज ठीक है, बाकी 2x2.5 में भी आप जो है ब्रीड करवा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास चार पेयर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है इनका ये बॉक्स लगा हुआ वाइट से, ये जो रिंग नेक का जो मैंने लास्ट टाइम बॉक्स वाले की वीडियो बनाई थी इमरान भाई की, तो वहाँ से रिंग नेक का जो आप कहीं से भी रिंग नेक के साइज़ का बॉक्स मिल जाएगा, नॉर्मल जो रिंग नेक के साइज़ का बॉक्स है वो आप ले लें, यहाँ पे जो है ब्रीड आ जाएगी आपके पास माशाल्लाह। तो बाकी पेयर की एज तकरीबन 2 से 2.5 साल आपके पास हो, उसके बाद इंशाल्लाह पेयर जो है ब्रीड करना स्टार्ट कर दें। बाकी नॉर्मल जो मिक्स दाना लव बर्ड्स को मैं दे रहा होता हूँ वही मैं इनको मिक्स दाना दे रहा हूँ, बाकी जो सॉफ्ट फूड जो लव बर्ड को मैं दे रहा होता हूँ दाले वगैरह हो गए मिक्स दाले हो गए वो यूज़ करवा रहा हूँ, बाकी जो भुट्टा वगैरह होता है मैं वो यूज़ करवा रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बॉक्सेस वगैरह दिखाने लगता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो पेयर है ये रिंग नेक का है, इसका मेल जो है नॉर्मल है ग्रीन कलर के अंदर, बाकी जो फीमेल है वो ऑलिव रिंग नेक के अंदर है, ऑलिव कलर के अंदर है, ये माशाल्लाह से देख सकते हैं। अच्छा जी, इसकी जो है ब्रीड ये माशाल्लाह से, इसने अभी जो है पहला अंडा दिया है, इसका मैं एक यहाँ रख देता हूँ। अच्छा जी, ये बुरादा जो है थोड़ा सा बाहर निकाली, इसको मैंने बहुत दफ़ा बुरादा दिया है, किसी भी लकड़ी का बुरादा आप दे सकते हैं, ये कीकर की लकड़ी का बुरादा आप दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसने पहला अंडा दिया है एक फीमेल ने, और माशाल्लाह से फीमेल अभी लोड है और ये एग्स वगैरह दे देगी। लास्ट टाइम भी इसने मेरे पास ब्रीड की थी, माशाल्लाह से चिक्स वगैरह निकाले थे इसने, बाकी इस सीज़न में इसकी माशाल्लाह से फर्स्ट ब्रीड है। अच्छा जी, ये अच्छा जो मेल है वो नॉर्मल ग्रीन के अंदर है, बाकी फीमेल ऑलिव कलर के अंदर है, आप देख सकते हैं इसका कलर। इसी के साथ हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ग्रीन रिंग नेक का पेयर है। अच्छा जी, इसने लास्ट टाइम एग्स दिए हुए थे, अभी हैचिंग वगैरह स्टार्ट हुई या नहीं हुई माशाल्लाह से, इसके जो है 3 eggs आए हुए देख सकते हैं, माशाल्लाह से फर्टाइल एग्स हैं और इंशाल्लाह इसके कुछ दिनों के अंदर हैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। बॉक्स में बंद कर दिया तो यहाँ पे माशाल्लाह से पेयर बाहर आ चुका है। काफ़ी अच्छे साइज के अंदर माशाल्लाह से पेयर है। अच्छा जी, यहाँ पर हम आते हैं, इस पेयर ने भी जो है एग दिए हुए थे लास्ट वीडियो में, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्या प्रोग्रेस है। इसने जो एग्स वगैरह दिए हुए थे तो चिक्स वगैरह इसमें से निकले हैं या नहीं निकले, फीमेल जो है बाहर आ गई है माशाल्लाह से। इस बॉक्स के अंदर जो है 3 बच्चे आ चुके हैं और एक अंडा भी मौजूद है, मेरे ख्याल से ये वाला अंडा जो ख़राब हो गया होगा इसका, मैं देख लेता हूँ। माशाल्लाह से फीड भी ये करवा रहा है बच्चों को अच्छी, छोटे छोटे से बच्चे हैं ये वाला अंडा ख़राब हो गया इसका। अच्छा देख सकते हैं, इसमें भी जो है बेबी मौजूद था लेकिन वो क्या कहते हैं हैचिंग नहीं कर सका सही तरीके से, थोड़ा सा फोकस कर ले। इसमें देख सकते हैं एग हल्का सा टूटा हुआ है और बेबी जो है अंदर से नहीं निकल सका, तो ये वाला अंडा इसका ख़राब हो गया माशाल्लाह से। चारों अंडे फर्टाइल थे लेकिन जो बच्चा है वो 3 निकले और एक अंडा इसका ख़राब हो चुका है। ये हैचिंग वगैरह देख सकते हैं, एग के शेल यहाँ पे मौजूद हैं। माशाल्लाह से ये कि इस सीज़न में फर्स्ट ब्रीड रिंग नेक की आ चुकी है मेरे पास, 3 बेबी निकले, बाकी इंशाल्लाह जो अभी पेयर के एग्स दिखाएँ उसमें से भी इंशाल्लाह हैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये वाला पेयर जो है लास्ट टाइम से मेरे पास ब्रीड नहीं की थी, ये वही वाला पेयर है और इस टाइम ये बॉक्स के अंदर है, मेल फीमेल दोनों देखते हैं। इसने फीमेल अभी फ़िलहाल इसने एग्स नहीं दिए, ये अभी फ़िलहाल इस फीमेल ने एग्स नहीं दिए, अभी पता नहीं ब्रीड करते करते एकदम से रुक गया पेयर। काफ़ी अच्छा पेयर है, इसने मेरे पास बच्चे निकाले लास्ट सीज़न में नहीं निकाले और इस सीज़न में देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है इसकी, ब्रीड वगैरह करता है या नहीं करता है। फिलहाल ये 4 रिंग नेक के पेयर थे। इसके अलावा काफ़ी दोस्त कह रहे हैं यार लव बर्ड्स की प्रोग्रेस दिखाएं,
इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद जो है लवर्स की प्रोग्रेस वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो मैं यही पहन करता हूँ, जो बॉक्स साइज था वो मैंने आपको बता दिया। बॉक्स साइज मुझे कंफर्म नहीं मालूम, बाकी जो रिंग नेक का बॉक्स है वो आप किसी को भी बोलेंगे शॉप वाले को, वो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो मैं यही पहन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं होगी। अगर पसंद है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।